अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम आपको हम कहते हैं विलिंग वेज के इस प्रोग्राम में। और जुमातुल मुबारक की शाम को हम आपके साथ मुलाकात करते ही हैं। और प्रोग्राम में यू आस्क फॉर इट प्रोग्राम का नाम है, जिसमें डॉक्टर सदाकत अली विलिंग वेज के CEO और एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट हमारे साथ एज एन एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, आज भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साहब को ईद मुबारक कहता हूँ, और साथ में हमारे जितने भी इस वक्त शुरका हैं प्रोग्राम के, उनसे भी आपका तारुफ कराता हूँ। इधर हमारे साथ डॉक्टर अमानुल्ला हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मिस्टर शुमायला बतूल, और मिस्टर शुमायला इसलिए हंस रही हैं कि मैं इनका नाम अक्सर भूल जाता हूँ मगर आज नहीं भूला। और नदीम नूर, जिनका नाम मैं कभी भी नहीं भूल सकता, जो ईद पर भी और ईद से वैसे भी हम मिलजुल कर खाने पर बड़े अच्छे तबसरे करते हैं, क्यूजीन पर बड़े अच्छे तबसरे करते हैं, अलावा एक बहुत ही बेहतरीन जो है काउंसलर होने के, सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं और खाने पर गहरी नज़र रखते हैं। नदीम नूर साहब हमारे साथ मौजूद है, और मिस प्रदा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर अच्छा, वो अपने नाज़रीन को ईद मुबारक नहीं कहा सर, वो माज़रत चाहता हूं। बकरों के साथ आपने कोई इजहार अफसोस नहीं किया? सर सबसे पहले तो ये है कि बकरों को इस बार जो भी ईद मुबारक कहता था वो बड़ा माइंड करते थे, और मैं सर उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन की भी बहुत ही अच्छी ईद गुजरी होगी, और पाकिस्तान के तूल अर्ज से और बाकी भी मिलत इस्लामिया से हर तरफ से खैर की खबर थी, और उम्मीद करते हैं कि आप सब की ईद बहुत ही अच्छी गुजरी होगी। डॉक्टर साहब, क्योंकि ईद कुर्बान है और इस पे जो है दिल बार बार ये कहता है, अलावा बकरों के भी, कि कुर्बान जाऊँ मगर ये है कि कुर्बानी जो है वो बेचारे बकरों की। या अच्छा, इस दफ़ा आपने वो कुछ सीन देखे हैं जो केबल चैनल्स पे हमने देखे, कि बकरों को गिराते हुए, बैलों को गिराते हुए, ऊँटों को गिराते हुए, आपने बहुत से सीन? सर ना सिर्फ ये सीन देखे हैं बल्कि एक चीज़ जो बड़ी इसके अलावा सामने आई है, शायद हर दफ़ा होता है मगर अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, ये मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है कि बैल भाग गया और उसने रस्सी तोड़ा ली और लोगों को जाकर टक्करें मार रहा है, और बकरा जो है वो अपने मालिक को टक्कर मार रहा है और मालिक उसको टक्कर मार रहा है, और बकरा मुरझा के गिर गया। इस तरह की भी चीज़ें सामने में आई हैं देखने में। मगर सर आज के प्रोग्राम में ये तो जानवरों की बात है, जो बात डॉक्टर साहब मैं आपसे करना चाहता हूँ ये है कि बहुत से ऐसे घराने हैं जहाँ पे उनके प्यारे, वो उनके बच्चे हो सकते हैं, वो वालिदैन को टकरे मारने पे आ जाते हैं, वो वालिदैन के साथ ज़ुबानी और फिज़िकल ज़ोदो कोब करने पे आ जाते हैं। और ये ख़्याल मुझे इसलिए आया कि हमें एक मुरासला मिला है, जो हमारा प्रोग्राम देखती हैं मिस शाइस्ता कैसर हैं, बहुत शौक़ से हमारे प्रोग्राम देखती हैं, और उन्होंने सर एक मुरासला अपनी आप बीती कह लें, कहानी जो उनके साथ गुज़र रही है ज़िंदगी में, वो हमसे शेयर की है। मैं चाहूँगा कि आप और हमारे शुरका इस पर ज़रा रोशनी डालें, क्योंकि विलिंग वेज में हमारी जो काउंसलिंग है उसमें ये मामलात आते रहते हैं, हमसे इतने मख्फी नहीं हैं, मगर शायद हमारे देखने वालों के लिए ये थोड़े से हैरान कन हो। मैं पेश करता हूँ सर डॉक्टर सदाकत अली, मैं विलिंग वेज फेसबुक पर आपके तमाम प्रोग्राम्स देखती हूँ, हत्ता कि आपके TV प्रोग्राम्स में शिरकत से भी भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ। इंसानों के माबैन रिश्तों पर, इंसानी नफ्सियात पर और नशे की बीमारी से बहाली पर आपका काम बहुत काबिल कद्र है। आपकी खिदमात पर मैं आपको खिराज तहसीन पेश करती हूँ। आज सोचा कि मैं अपनी खामोशी का पर्दा चाक करूँ और जिस कर्ब से मैं गुजर रही हूँ वो आपसे डिस्कस कर लूँ। मेरी ज़िंदगी जो मुझे अंधेरों में डूबती लग रही है, इसमें आप मुझे रोशनी की किरण दिखाई देते हैं। डॉक्टर सदाकत, मेरे 3 बेटे हैं मगर एक बेटा जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, उसने मुझे सबसे ज़्यादा तंग किया है। मामला अब यहाँ तक पहुँच गया है कि वो मुझे, यानी अपनी माँ और बाप दोनों को धमकियाँ देता है कि वो हमें ख़त्म कर देगा, कत्ल कर देगा। वो स्कूल तक ज़हीन तालिब इल्म था मगर जो ही कॉलेज में गया तो इसका चाल चलन मेल मिलाप बदल गया, उसने नशा करना शुरू कर दिया। हमने उसको मना करने की कोशिश की, फिर इसने लड़ाइयाँ शुरू की,
घर में भी और कॉलेज में भी, सड़कों पर भी घर की अशिया बेचने भी लगा, मौका बेमौका रिश्तेदारों से उलझने लगा, बेइज्जती की। हमने उसको प्यार से कभी सख्ती से समझाया मगर हर हर बार बेसुध रहा। अभी हाल में वो कार इसलिए कार उसके कार के इस्तेमाल पर हमने पाबंदी लगा दी कि ना वो पढ़ता है ना कामकाज करता है और शाम को गाड़ी लेकर निकल जाता है। तो हमने ये सोचकर कि उसको कार की ज़रूरत नहीं है उससे कार ले ली, तो कहने लगा कि आप, यानी वालिदैन को कहने लगा कि आप लोगों ने बहुत कमीनी हरकत की है और मैं आपको जान से मार दूंगा। सो हम उसकी ये मुआशरती बेरहरवी और बदमाशियों को छुपाते रहे मगर अब कम्युनिटी और रिश्तेदार उंगलियां उठाने लगे हैं और सबसे बढ़कर हम ख़ुद भी उससे खौफजदा होने लग गए हैं क्योंकि ये बात अब वर्बल अब्यूज़ से बढ़कर फिज़िकल अब्यूज़ तक पहुंच गई है। उसने मुझ पर और अपने वालिद पर हाथ उठाया है और ख़ुद को भी मारने की धमकियाँ देता है और हमें भी मारने की धमकियाँ देता है। हमारा बेटा हमारा ही दुश्मन क्यों बन गया है? हमसे क्या गलती हुई? हम अब क्या करें? डॉक्टर सदाकत, बराहे मेहरबानी हमारी मदद करें और ये बताइए कि माँ बाप और बच्चों या दीगर प्यार भरे रिश्तों का इतना बेड़ा गर्क कैसे हो जाता है? अच्छा, ये अलमनाक वाक़यात जो हैं हमारे मुआशरे में शबो रोज़ हम सुनते रहते हैं। रिश्ते नाते जो हैं ये रवायती चीज़ है, इंसान एक सोशल एनिमल है और वो तन्हा रहना पसंद नहीं करता। आप देखिए दूसरे जो जानवर हैं उनके बच्चे जल्द ही उनसे जुदा होके दूर हो जाते हैं और अपने सर्वाइवल में पड़ जाते हैं वो, लेकिन इंसान अपने बच्चों को तादेर परवरिश करता है, नशोनुमा करता है, तरबियत करता है। जब वो जवान हो जाते हैं फिर उनकी शादियां माँ बाप करते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं तो उनका भी ख्याल रखते हैं। जो हमारे कल्चर में है, रवायत में है, हमारी मजहबी रवायात भी हैं एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने का। वालदेन को तो ये कहा जाता है कि बच्चों की तरबियत अच्छी करें, पर औलाद के लिए बहुत ज़्यादा ये नसीहत है कि वालदेन की इज़्ज़त करें और उनकी कदर व मंजिलत जेन में रखें और उनको तंग कतई ना करें, उफ भी ना करें। हैविंग सेड दैट, लेकिन रोज़ाना हमें देखने में आता है ये खाली, ये जहाँ आप जिस बालिग लड़के का ज़िक्र कर रहे हैं वो तो नशे की वजह से इस तरह के रवैयों का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ लोग नशा नहीं भी करते, जहाँ बज़ाहर कोई साइकेट्रिक इलनेस भी नहीं होती, वहाँ भी बच्चे वालदैन को तंग करते हैं। उन्हें ख्याल है कि वालदैन को तंग करना बहुत आसान है, यहाँ से नुकसान पहुंचने का कोई ख़तरा नहीं होता। यानी आपका मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से है जो कभी वार नहीं करता। तो वालदैन मेहरबान होते हैं और वो बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं चाहते और बच्चे इस बात का, इस ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि वो वालदैन के साथ ज़्यादती पर उतर आते हैं, उन्हें धमकियाँ देते हैं अगर उनकी बात नहीं मानी जाती। और ऐसा मैं उन बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा कि जो पढ़े लिखे नहीं होते या नशा करते हैं या साइकेट्रिक इलनेस में होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, इवन दुनिया उनको बड़ा नेक समझ रही होती है, बज़ाहर वो नमाजी परहेजगार भी होते हैं, लेकिन जब अपने वालदैन की बारी आती है तो वो बहुत बुरा सलूक करने पर उतर आते हैं और हमेशा वालदैन को दुख देते हैं। अब जब कोई बंदा साइकेट्रिक इलनेस में फंस जाता है तो फिर तो हमें समझ में आता है कि वो इतना गुस्सा क्यों करता है या बेचैन क्यों रहता है या वालदैन को क्यों इतना परेशान करता है, उन पे इतना क्यों डिपेंडेंट है। फिर जब हम देखते हैं कि कोई नशे की बीमारी में मुबतला होता है और इंटॉक्सिकेटेड होता है या जहरीले मादे जो नशे की बीमारी में खून में सर्कुलेट करने लगते हैं, एज ए बाई प्रोडक्ट पैदा हो जाते हैं नशों की, तो फिर और भी ज़्यादा समझ में आने लगता है कि वो इस किस्म की बेराह रवी में क्यों पड़ता है। लेकिन ऐसा एक दिन में नहीं होता, क्योंकि शुरू में जब कोई नशा करता है
या साइकेट्रिक इलनेस में मुब्तला होता है या दोनों का निशाना बनता है, तो ज़्यादा समझ में नहीं आता कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशन है या बीमारी के हालात हैं। और चूंकि रोज़ाना थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ आती रहती हैं और ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन चूंकि वकूफ़ पज़ीर आहिस्ता आहिस्ता होती हैं तो अहले खाना या फैमिली मेम्बर्स या माँ बाप इदराक नहीं कर पाते कि सिचुएशन ख़राबी की तरफ जा रही है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता होती हैं हमारा जहन उनके मुताबिक नए सांचों में ढलता चला जाता है। सो वालदैन अपनी मोहब्बत में कुछ बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते, और बाउंड्रीज सेट ना करने से ऐसा बच्चा जो नशे की बीमारी में मुब्तला है या जहनी बीमारी में मुब्तला है या वैसे बेरारवी का शिकार है, तो वो हिम्मत हौसला पकड़ के आगे बढ़ता है। क्योंकि जब हम किसी के ख़राब रवैयों को रिवॉर्ड करते हैं, यानी बेटा ख़राब रवैयों का मुजाहरा कर रहा है लेकिन हम अपने अनायतें उसको देते चले जाते हैं, नवाजते चले जाते हैं, बीच बीच में गुस्सा भी करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मिल के बहुत तबाही लाती हैं। यानी नवाजिशें करना और बीच बीच में फिर डांट डपट करना या लानत मलामत करना, और आखिर एक दिन आता है कि वालदैन को समझ में नहीं आती कि हम क्या करें। कभी मियाँ बीवी के दरमियान यही मामला होता है, कभी वालदैन कभी बहन भाई आपस में जब बात करते हैं तो नशे की बीमारी का शाखसाना है कि उनके दरमियान बड़ी तकलीफ़ दे सूरत हाल पैदा हो जाती है। एक वक्त आता है कि बीवी खामन को कह देती है कि या मुझे या फिर नशे को चुन लो, और ऐसे तमाम मौक़ों पर खामद या जो भी नशे का मरीज़ है वो नशे को चुनता है, वो आपके रिश्ते को नहीं चुनता। क्योंकि बेसिकली जो सवाल आप उससे करते हैं या जो चॉइस आप उसको देते हैं वो सवाल ही दुरुस्त नहीं, वो चॉइस ही दुरुस्त नहीं। अगर आप उसको ये कहें कि वो मदद हासिल करे या फिर इस रिश्ते को ख़त्म समझे, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि जब कोई नशे की बीमारी में मुब्तला होता है तो बाज़ औक़ात ये ख़ुद उसके बस में नहीं होता कि अपने नशे से निजात हासिल करे, उसको मदद की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर कोई मदद भी हासिल नहीं करता तो आप उसे मदद हासिल करने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास चॉइस हो कि किसी को ऐसा काम कहें जो उसके बस में नहीं, और दूसरी बात ये कि ऐसा काम कहें जो कि उसके बस में है, तो सैनिटी का तकाजा ये है, ज़हनी सेहत का तकाजा ये है कि आप उसको वो बात कहें जो कि वो कर सकता है, यानी मदद हासिल करे। और अगर आप उसे बराह रास्त कहते हैं कि या नशे को चुन लो या मुझे, और फिर वो नशे को चुन लेता है, तो हम अपने आप को बहुत कमतर समझने लगते हैं। लेकिन एक जीते जागते इंसान का मुकाबला एक नशे से या केमिकल से हरगिज़ नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब ये जी प्लीज़। सर, मेरा सवाल ये है कि बाउंड्रीज़ की बात आपने की, हर रिलेशन में इन पेरेंट्स और बच्चों के साथ भी और अपार्ट फ्रॉम दैट बाउंड्रीज़ को सेट करना चाहिए इन प्रिंसिपल। लेकिन जब हम फैमिलीज़, बिकॉज यहाँ पर हम काम करते हैं, जो फैमिलीज़ को हम ये गाइड करते हैं कि आपको मैरिट पर आपको बाउंड्रीज़ को ज़रा मेंटेन करना है इन योर रिलेशनशिप, तो ये कोई नया सा आइडिया उनके जहन में होता है। वो बाउंड्रीज़ को परसीव करते हैं जैसे स्ट्रिक्ट हो जाना किसी के साथ, हालांकि बाउंड्रीज़ का मतलब ये है कि आप एक लिमिटेशन ज़रूर रखें, हर एक रिश्ते का लिहाज ज़रूर रखें इमोशनली और फिज़िकली। यानी रिश्ते को डिफ़ाइन करके रखना चाहिए कि माँ बाप का औलाद के साथ रिश्ता क्या होगा, और वो रिश्ता टीनेज में क्या होगा या बलूगत के बाद क्या होगा, या बच्चों की जब शादियां आप कर देते हैं तो रिश्ता एक नई शक्ल इख्तियार करता है, या एक 5 साल के बच्चे के साथ आपका क्या रिश्ता होगा, तो ये सब चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। और ये जो ट्रेंड है कि पेरेंट्स अपने आप को ये कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, सर ये ठीक बात है कि पेरेंट्स दोस्त हो सकते हैं? नहीं, पेरेंट्स दोस्त नहीं हो सकते। रिश्तों को गड़मट करने का कोई फ़ायदा नहीं। पेरेंट्स के जो रवैये हैं औलाद के साथ वो दोस्ताना हो सकते हैं, लेकिन दोस्त वो होता है जो हर बात मानता है। हमारे मुआशरे में हम दोस्तों से तवक्को रखते हैं कि उनसे जो बात कहें तो हमें तवक्को होती है कि वो हाँ बोलेंगे। तो वालदैन भी अगर दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, जो कि वो अक्सर बेचारे ये कोशिश करते हैं, और वो फिर हाँ बोलना शुरू कर देते हैं, और जब वो हाँ बोलते हैं
तो बच्चे उनको कहते हैं आई लव यू, और जब वो ना बोलते हैं तो बच्चे कहते हैं आई हेट यू, क्योंकि आजकल बच्चे काफ़ी सख्त बात भी कर लेते हैं और दूसरों के पास कोई जवाब नहीं होता। मैं कल ही एक खातून मुझे बता रही थी कि उनका भांजा मिलने आया हुआ था, ईद मिलने आया हुआ था, और कह रही थी कि जब मैंने एक सेल्फी ली और तो उन्होंने मुझे कहा, भांजा ने कहा, जवान भांजा था, तो उसने कहा कि ये आपने सेल्फी तो ले ली है, अब इसे फेसबुक पे अप कर दें और नीचे लिखें वेडी फॉर सेल, यानी अपनी सगी खाला के लिए ये फिक्रा बोला। और खातून ने बताया कि वो चुप की चुप कर गई, उनके मुंह में जैसे जबान नहीं थी, और उनको 24 घंटे लगे अपने भांजे को टेलीफोन पे ये SMS करते हुए कि कल आपने जो मुझसे बात की थी वो बहुत तकलीफ़ दे थी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसे मजाक में बात की थी, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है। तो ये जो हद अदब मलहूज ना रखना, जो जो उम्र का फ़र्क है या मर्तबे का फ़र्क है या रिश्ते का तकाजा है, उसको बरकरार रखना चाहिए, और हमें फौरी तौर पर अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए कि अगर हमें तकलीफ़ पहुंची है तो ये कह देने में कोई हर्ज नहीं कि हमें तकलीफ़ पहुंची है। और ये बड़ी मौसर बात होती है जब हम किसी को अपनी फीलिंग्स बता देते हैं, और बेशक उसके बाद ज़्यादा हंगामा ना करें और खामोश हो जाएं, लेकिन जब फीलिंग्स बता देते हैं तो कुछ उसका फौरी फ़ायदा नहीं होता, लेकिन इन दी लॉन्ग रन फ़ायदा ज़रूर होता है। प्लस वो खातून बता रही थी कि दूसरे लोग भी थे इर्द गिर्द, लेकिन किसी के कान पे भी जूं तक नहीं रेंगी, यानी नौजवानों की तरफ से बुज़ुर्गों के बारे में तौहीन अमेज़ कलमात, ये कोई आम सी बात है। नौजवान जब आपस में भी मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ अपने माँ बाप के हवाले से जब बात करते हैं तो बड़े नागवार अंदाज में बात करते हैं, जैसे उनके वालदैन कोई सब स्टैंडर्ड हैं और वो बहुत कोई ज़बरदस्त हैं। तो ये सब चीज़ें मॉडर्निज्म के नाम पे की जाती हैं, ये मॉडर्निज्म हरगिज़ नहीं है। मॉडर्निज्म है जी और जीने दो। मॉडर्निज्म ये है कि आप किसी को तकलीफ़ ना दो, और कोई आपको तकलीफ़ दे तो आप ज़रूर उसको अच्छे लफ्ज़ों में बताएं कि आपकी ये बात जो है मुझे मुनासब नहीं लग रही, और आप आइंदा इस तरह का तर्ज तखातब मुझसे ना रखिएगा। और यकीनन इसका असर होता है, अगर ये फौरी तौर पर कोई आपको कह सकता है कि मुझे क्या परवाह अगर आपको तकलीफ़ हुई है, और अगर कोई ऐसा कहे तो आप जहन में नोट रखें, लोग जो कहते हैं उनकी बातों को आप गौर से सुने। अगर कोई आपसे कहता है कि फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा, तो आप यकीन करें कि वाकई वो सही कह रहा है। जो बंदा अपने बारे में मनफी रिमार्क्स दे रहा होता है तो आप समझ लें कि वो बहुत संजीदा है, क्योंकि वरना वो क्यों कोई आपको कहेगा कि उससे बुरा फिर कोई नहीं होगा। लोग अपने बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कहते हैं, जंकी प्राइड है, लोग अपने बारे में ये जो बातें करते हैं ये मनफी फ़ख्र है जो कि वो जिसका इजहार करते हैं। लेकिन जो सुलझे हुए लोग हैं, जो मॉडर्न लोग हैं, जो रोशन ख्याल लोग हैं, वो दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक ले लें, एक छोटी सी ब्रेक ले लें, राइट आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद इट, प्लीज़ स्टे विद अस। पहला जो मरहला है वो ये है कि हमारी मर्ज़ी हम पर चलना शुरू हो जाए, जिसके लिए टाइम ड्रिवन होना ज़रूरी है, यानी डिसिप्लिन्ड होना ज़रूरी है, और हर काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना और फिर हद से ज़्यादा बेचैन होने के बाद करना, ये अपनी विल पावर को मुसलसल चोटें लगाने के मुतराजिब है। हमें ज़रूर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि जिस मसले से हम निमट रहे हैं, क्या कहीं दुनिया में उस मसले का हल तलाश कर लिया गया है। तो मैं बताऊं कि हम जिस खूबसूरत सदी में रह रहे हैं, जिसे 21वीं सदी कहा जाता है, इसमें ज़्यादातर जो मसाइल मुझे या आपको दरपेश हैं तो उनका हल होता है। ये जो आगे वक्त आने वाला है तो वो ऐसी टेक्निक्स आने वाली हैं या ऐसे तरीके सामने आने वाले हैं जिसमें इंसानों को आसानी हो जाए कि वो जो करना चाहते हैं, अगर वो वज़न कम करना चाहते हैं तो वो कर लें, अगर वो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें कोई मुश्किल पेश ना आए, और उनको सहारा ना लेना पड़े शराब का, चरस का या ड्रग्स का अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए, उनकी मर्ज़ी उनके मूड पे भी चले।
बात बनेगी जब हम जानने की तरफ अपना रुझान ज़्यादा रखें, और दुनिया में जो कामयाब लोगों की साथ आते हैं उनमें से एक आदत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बातों को जानने की कोशिश करते हैं, यानी सातवीं आदत जिसे शार्पनिंग द सॉ कहते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और मिस रिदा ओवर टू यू। स्टार्ट में बात की थी कि जब भी आपको कोई लव्ड वन नशे में या किसी बिहेवियर इशू से गुजर रहा है तो उसको मदद हासिल करने की तरफ जाना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए कि मदद चाहिए, ये राइट क्वेश्चन होता है। दूसरी तरफ आपने बात की कि आजकल जो नई जनरेशन है वो डिसरिस्पेक्टफुल अपने बड़ों की तरफ इसलिए होते हैं क्योंकि वो इसको मॉडर्निज्म में कंसील करते हैं, इसलिए इस तरह से हो जाते हैं। तो वो जनरेशन जो अपने आप के इतनी जंकी प्राइड में और अपने आप को दे थिंक दैट दे नो इट ऑल, वो कैसे ये समझेगी कि उनके पेरेंट्स इतने इक्विप्ड है या उनके लव्ड वंस इतने इक्विप्ड है कि वो उनको मदद दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं कि उनके वालदैन उनको मदद नहीं दे सकते क्योंकि उनके वालदैन छोटी छोटी बातों के लिए बाज़ औक़ात औलाद की तरफ रुजू करते हैं कि देखना ज़रा मेरा ये स्मार्टफोन इसमें ये कैसे होता है या इसमें फ़लाँ एप्लीकेशन कैसे आती है। तो वालदैन को ये जो एक सादगी का सा जो एक स्टाइल उन्होंने अपनाया होता है तो इसमें से निकलना चाहिए। जब आप औलाद पैदा करते हैं और उनकी तरबियत की जिम्मेदारी आप पर आती है तो फिर आपको रोशन ख्याल होना चाहिए, आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप उनकी रहनुमाई कर सकें ज़िंदगी के मामलात में। और ज़िंदगी के मामलात में रहनुमाई आप अपने तजर्बे से भी दे सकते हैं, आप सीखने के बाद या काउंसलिंग के बाद भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक पहलू ये भी है कि आप सब टेकी हों। यानी जो बुज़ुर्ग होने का मतलब ये नहीं है कि वो इस बात पे फ़ख्र महसूस करें कि वो स्मार्टफोन या लैपटॉप या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको ऐसे मकाम पे लाता है कि रोशन ख्याली सामने आती है और नए नए गैजेट्स सामने आते हैं तो कोई उम्र ऐसी नहीं होती जब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। और फिर जब जिसे सिटिंग डक कहते हैं, यानी जो बुज़ुर्ग हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि उन्हें इस तरह नहीं बन जाना चाहिए कि जैसे एक सिटिंग डक होती है, एक बतख होती है जिसको कोई भी निशाना बना सकता है। रवायती तौर पर हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारे अहले खाना हैं खुसूसन हमारे बच्चे और बहन भाई हमेशा हम पर मेहरबान रहेंगे, हमेशा वो हमारे काम आएंगे, हमेशा हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। ये ज़्यादातर दुरुस्त नहीं है। हम समझते हैं कि वो गैर लोग होते हैं जिनसे हमें ख़तरा होता है, वो गैर लोग होते हैं जो हमारी जान के दुश्मन होते हैं, वो गैर लोग होते हैं जो हमारी कमर में छुरा घोंपते हैं। आई एम हेयर टू टेल यू आफ्टर अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड के बहुत हमारे करीब के अपने लोग जो हैं जान के दुश्मन बन सकते हैं और वो ज़ेहन में बहुत मनफी मनसूबे सोच सकते हैं। अगर आप गाफिल होंगे तो आप नुकसान भी उठा सकते हैं। लिहाजा बाउंड्रीज़ को सेट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और चौकन्ना रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे ये इस बच्चे की बात करें जो कहता है माँ बाप को कि मैं आपको मार दूंगा, आपने कितनी कमीनी हरकत की है कि मेरी गाड़ी आपने छीन ली है जस्ट बिकॉज के मैं कोई पढ़ता नहीं या काम नहीं करता और शाम को दोस्तों के साथ नशे करने के लिए निकल जाता हूँ तो आपने मेरी गाड़ी वापस ले ली है। और यकीनी तौर पर अगर उस बच्चे के पास गाड़ी थी तो उनके घर में एयर कंडीशनर भी होगा, उनके घर में और फैसिलिटीज़ भी होंगी जो कि वो इस्तेमाल कर रहा होगा। और ज़्यादातर घरों में ये अज्यूम किया जाता है कि ऐसी तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो वालदैन ही अपने बच्चों को फराहम करते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बच्चों के लिए आसाइशें तो ज़रूर वो आसाइशें आपको बच्चों को देनी चाहिए बशर्ते के बच्चे ताबेदार हों। और ये बात कभी भी नहीं कहना चाहिए कि हमारा क्या है, सब कुछ आपका ही है, हमारी तो कोई अहमियत नहीं है, हम तो सब कुछ आप ही के लिए कर रहे हैं। नहीं, आप अपने आप को भी अहमियत दें क्योंकि अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो बच्चे इस इन बातों को सुन के समझेंगे कि वाकई वालदैन कोई काबिल कदर लोग नहीं है बल्कि असल जो अहमियत है वो औलाद की है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं, जो ज़ीरो इस दुनिया में आता है तो उसकी कदर होती है, उसकी अहमियत होती है, वालदैन की भी बच्चों की भी।
और वालदेन को इस तरह बात कर लेनी चाहिए कि ये हमारा घर है पर चूँकि आप हमारे बच्चे हैं तो आप भी इसको इंजॉय करें, या ये हमारी गाड़ी है या ये हमारी सहूलतें हैं या ये हमारा रुपया पैसा है, लेकिन चूँकि आप हमारे बच्चे हैं तो आप भी इनको इंजॉय कर सकते हैं, इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर आप इसकी कदर करें तो हमें और भी अच्छा लगेगा। अगर आप शुक्रगुजार हैं तो क्या बात है, अगर आप ताबेदार हों तो हमारी जान भी हाजिर है। लेकिन अपने आप की नफ़ी करके आप बच्चों से कोई बहुत अच्छे रवैयों की तवक्को नहीं कर सकते। होता है कि अगर वो उनके साथ मैरिट पर बात करेंगे, जैसे अभी आपने कहा कि हमारा घर है, आप हमारे बच्चे हैं, आप ये सारी बात, बहुत ज़्यादा खौफ होता है कि शायद बच्चे ये प्रसीव करेंगे कि हम उनको प्यार नहीं करते हैं। एंड पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली बच्चों के लेंस से ही अपने आप को देखते हैं, यानी वो अपनी मोहब्बत का अंदाज़ा बच्चों के कहने पर लगाते हैं कि अगर बच्चे कह रहे हैं कि जी आप वही जो आपने कहा आई लव यू एंड आई हेट यू वाली बात, तो उनके नज़दीक वही बिल्कुल ठीक है। सो वालिदैन को ये फिर किस तरह से वो एजुकेट करेंगे, और क्योंकि इस खौफ से फिर कैसे बाहर आएँ कि जो बच्चों के अल्फाज उनको दे रहे होते हैं कि दे आर नॉट गुड इनफ। देखिए, एक तो वालिदैन की ख्वाहिश पॉपुलर होने की जो ख्वाहिश है ये डुबोती है। पॉपुलर अगर आप होना चाहते हैं बच्चों की नज़र में तो फिर आप सही फैसले करें, आप हमेशा पॉपुलर होंगे। आप पीपल प्लीजर बन के कभी भी पॉपुलर नहीं हो सकते। दुनिया में आपने जितने लोगों को भी ऊंचे मकाम पे देखा है तो उनकी एक सलाहियत आपको बदरजा उत्तम नज़र आती है कि वो ना कह सकते हैं और ना कहने के बाद पूरे तमाद रह सकते हैं, यानी ये एक बहुत बड़ी सलाहियत है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनकी एक बहुत बड़ी सलाहियत है कि वो किसी को भी नो कह सकते हैं और नो कहने के बाद उनको कोई मलाल या कोई मुश्किलात नहीं होती कि मैंने नो कहा है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। और आप देखिए कि जिसको भी वो नो कहते हैं वो उनका और ज़्यादा मद्दा हो जाता है, वो उनकी और ज़्यादा कदर करने लगता है। तो उनकी एक ये बहुत बड़ी खूबी है कि वो नो कह सकते हैं और ऐसे लोगों को भी मेरिट पे ट्रीट कर सकते हैं जो बाज़ औक़ात उनके लिए बज़ाहर मुश्किल नज़र आता है। देखिए, जब वो क्रिकेट की दुनिया में थे तो इमरान खान, जिनका क्रिकेटिंग कैरियर जो है एक लेजेंड की तरह आपके सामने है, तो उसकी भी वजह यही है कि वो किसी को भी टीम के अंदर या टीम के बाहर करते हुए ज़रा भी हिचकिचाते नहीं थे। हत्ता कि माजिद खान, जिनका बड़ा हाथ है इमरान खान को क्रिकेट की दुनिया से मुतारफ़ कराने में, तो जल्द ही कप्तान बनने के बाद उन्होंने माजिद खान साहब को भी टीम से बाहर कर दिया, जिसका उनको बड़ा गुस्सा भी लगा। इसी तरह अब्दुल कादर, जो कि एक बड़े ज़बरदस्त स्पिनर हैं हमारे, तो उनके ख्याल में अभी उनके बहुत क्रिकेटिंग करियर बाकी था, लेकिन इमरान खान ने एक दिन उनको कह दिया कि बस आपका काफ़ी है, इतना अब आप ज़्यादा ज़बरदस्त बॉलिंग नहीं कर रहे तो आपको टीम से बाहर करना है। तो इसके अलावा आप देखिए कितने ही आपको ऐसे मौके नज़र आएंगे कि अगर उन्होंने समझा कि कोई ज़्यादा कारामद नहीं रहा उस मंसूबे में जिस पे वो चल रहे थे, तो उन्होंने उसको उस मंसूबे से बाहर कर दिया। वैसे ताल्लुकात जारी रखे, लेकिन एक मंसूबा साज, यानी एक शख्स जो किसी मंसूबे पे काम कर रहा है और उसके लिए वो टीम बना रहा है, और उस टीम में अगर वो नरम खिलाड़ी रखेगा या ऑब्सोलीट खिलाड़ी रखेगा तो वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो अक्सर हम नाकेद होते हैं उनके, इमरान खान साहब के, उनकी कई चीज़ों पे हम तनकीद भी करते हैं। कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता, लेकिन अगर किसी की खूबी कोई हो तो उसको मान लेना चाहिए। सो ये एक वालदेन को भी ये खूबी अपनानी चाहिए कि औलाद से बात करते हुए वो फियर से ऑपरेट ना करें, डर से ना चलें, वो मोहब्बत से चलें, वो हर वो काम अपने बच्चों के लिए करें जिनसे बच्चों की बेहतरी मकसूद हो, कोई खौफ मकसूद ना हो, या उन्हें अपना जो दिल है वो ऐसे बनाना चाहिए कि अगर उनका दिल तड़पता है और बच्चे का जो है नुकसान हो जाए तो वो अपने दिल की परवाह ना करें, बच्चे के नुकसान को रोकें। बहुत दफ़ा ऐसे इकदामात वालदेन ने करने होते हैं जिससे उनका दिल उनको बहुत तकलीफ़ देता है
एक छोटा सा बच्चा जिसको टीका लगवाना मकसूद होता है तो माँ मुंह दूसरी तरफ करके तो बच्चे को टीका लगवा लेती है, तो फिर आगे चल के ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जो हमें अपने बच्चों की बेहतरी के लिए करने होते हैं और हमारा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है, तो ऐसे मौके पे हमें अपने दिल से मुखातब होकर कहना चाहिए कि तुम ज़रा अलग हो जाओ, मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी संवारने का सोच रहा हूँ। और बच्चों की ज़िंदगी संवारने के लिए बाज़ को टफ़ डिसीजंस करने पड़ते हैं, और हकीकत में मैं आपको बताऊँ कि बच्चे नरम वालदैन पसंद नहीं करते, बच्चे तगड़े वालदैन पसंद करते हैं। हम बाज़ औक़ात कमज़ोर हो के बच्चों की फेवर्स लेना चाहते हैं, बाज़ औक़ात हम मिन्नत समाजत पर भी उतर आते हैं, बाज़ औक़ात हम बच्चों के साथ तबादला ख्याल करते हुए अपनी कमज़ोर सेहत का या अपनी कोई कसम पुरसी को आगे कर रहे होते हैं, अपनी बेकसी और बेबसी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो ये बातें बच्चों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। When all is said and done, बच्चों को अच्छा लगता है कि हमारे वालदैन ज़बरदस्त वालदैन हो, तगड़े वालदैन हो, जैसे आवाम को ज़रूरत होती है तगड़े हुक्मरानों की। जो मिन्नत समाजत करने वाले हों तो वो हुक्मरान तो नहीं होते, इसी तरह जो मिन्नत समाजत करने वाले हों वो वालदैन भी नहीं होते, वो असातिज़ा भी नहीं होते जिनका कुल दारोमदार मिन्नत समाजत पर हो। बट यू हैव टू डू द राइट थिंग, आपने कोई जुल्म नहीं करना, आपने दूसरे की बेहतरी के लिए इकदाम करने हैं, और आपने देखना है, जैसे हम कहते हैं टू बिगिन विद द एंड इन माइंड, हमने देखना है कि मैं ये कदम उठाऊंगा तो आखिरकार इसमें मेरे बच्चे का फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। अब मुझे आप बताइए कि एक बच्चा माँ बाप को जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो आप मुझे बताइए कि वालदैन क्या करें, आप मुझे बताइए क्या करें। सर मेरे ख्याल से तो क्राइसिस को उनको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कितने वालदैन हैं जिनको आप कहेंगे कि आपको इस मामले को पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए, तो कितने वालदैन हैं जो कहेंगे कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। सही है बात, आमतौर पर वालदैन तो अपने करीबी अज़ीज़ों का, बहन भाइयों को, जिनको तो ज़रूर ही बताना चाहिए, या कई दफ़ा और काफ़ी दफ़ा ये देखने का मौका मिलता है कि अगर बाप को ऐसा कहा गया तो वो बच्चे की माँ यानी अपनी शरीक हयात से नहीं कहते, और अगर माँ से इस तरह की बदतमीज़ियाँ और हद दर्जे की गैर अखलाकी बातचीत हो रही है तो वो वालिद से बात नहीं करते। तो इस मामले में गालिबन शेम का भी बहुत एलिमेंट है कि पुलिस को तो बताना चाहिए, लेकिन अगर करीब के लोगों को बताने में वो इतनी झिझक महसूस करते हैं तो वहाँ तक जाने की तो नौबत ही नहीं आएगी। बच्चे बहुत शेमलेस होते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को मैंने भी सुना है कि वो ऐसे टाइटल भी दे देते हैं पेरेंट्स को, तो ये तो बड़े हिटलर टाइप के हैं पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स होके, और पेरेंट्स के बारे में जब मनफी बातें की जाती हैं तो उनको बड़ी नफसियाती मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन मुझे बताइए कि कोई भी मुआशरे में आपको जान से मारने की धमकी दे तो फिर तो आपको कोई मुश्किल नहीं ना होती पुलिस को इतला देने की कि ये बंदा जो है मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन बच्चों के मामले में हमें इसलिए मुश्किल होती है कि पहला हमें ख्याल होता है कि बच्चा वैसे ही कह रहा है, बिल्कुल ठीक, ऐसा करेगा नहीं, करते तो गैर लोग हैं, अजनबी जालिम लोग, दुश्मन लोग करते हैं, ये तो हमारा बच्चा है, ये अभी बात कर रहा है, कहेगा करेगा नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ये जो कातलाना मामलात हैं या कातलाना हमले होते हैं ये कोई अजनबियों के हाथों नहीं होते, ये ऐसे लोगों की तरफ से नहीं होते जो सचमुच गैर होते हैं और हमारे दुश्मन होते हैं, ये बात बिल्कुल हमारे घरों में जहां लोगों के मफादात आपस में टकरा जाते हैं तो नहायत खामोशी से ऐसे मामलात होते हैं जिसमें बहुत अच्छे जहन रखने वाले और नेक नियत लोग जान से हाथ धो बैठते हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। और बाज़ात तो ऐसे वाक़ात आप टेलीविज़न पे देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, जहां अहले खाना के हाथों, भाई के हाथों भाई या बच्चों के हाथों माँ बाप की जान चली जाती है और उस मामले को हाशाब कर लिया जाता है, और अगर वो लोग बासर भी हों और ख़ास तौर पर जो शहरी इलाकों के बजाय देहाती इलाकों के रहने वाले हों तो इन चीज़ों को छुपाना निस्बतन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी रूरल एरियाज़ हैं जहाँ फ्यूडल्स होते हैं तो इलाके की पुलिस और थाने में जो लोगों की तैनातियाँ होती हैं वो भी उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं होती,
और वो अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए और हाई हैंडेडनेस को बरकरार रखने के लिए इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि उनके यहाँ कोई हुक्मरान तबके के लोग भी हों, वो इलेक्शन में भी बड़े ज़ौक व शौक से हिस्सा लेते हैं और उसके बाद वो एक छोटी सी जो सल्तनत उनके होती है इख्तियार में, उसमें बहुत गलत काम और जुराइम को वो नशोनुमा देते हैं। कितना हक रोल है इस चीज़ में कि वो बच्चों की इस जो डिसइनहिबिटेड बिहेवियर्स हैं, गालियाँ या मारपीट या ये जान से मारने की धमकी, इसमें वालिदैन का कितना रोल है? क्या उनका भी कोई रोल है कि वो उनके थ्रेशोल्ड को? रोल नहीं है, इग्नोरेंस है, कमज़ोरी है और सबसे बड़ी बात है कि शेम का पहलू है कि हम चाहते हैं कि लोगों को बताएं कि हमारी औलाद कितनी लाइक फाइक है। हम ये नहीं चाहते कि हम बताएं कि हमारी औलाद हमारे साथ बेइज्जती का रवैया अख्तियार करती है। हम अपने भाई बहनों से छुपाते हैं जी। और उनको नहीं बताते कि हम अपनी औलाद के हाथों किस कदर तंग हैं, क्योंकि वही औलाद जो हमारे साथ इतना बुरा सलूक कर रही होती है, जब हमारे भाई बहनों को मिलती है तो वो औलाद उनके साथ अंकल अंकल करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और फिर वो एक अपना इमेज बनाते हैं, फिर वो अपनी लॉबिंग करते हैं और जब कोई ऐसा कड़ा वक्त आता है तो वो वालदैन को मजबूर करने के लिए उन रिश्तेदारों का सहारा भी लेते हैं। और आप यंगस्टर्स को देखें, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी घरेलू बातें बड़ी आसानी से करते हैं, उनको वालदैन से जो भी मुश्किलात होती हैं वो दूसरे क्लास फेलोज से डिस्कस करते हैं और उनसे राय मशवरा तलब करते हैं। लेकिन वालदैन अपनी शफकत और मोहब्बत की वजह से हमेशा चाहते हैं कि वो अपनी औलाद के गुण गाएं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करके अच्छा महसूस करें कि उनके बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने फर्माबरदार हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे अच्छे हों, फर्माबरदार हों तो आप उनके गुण गाएं। लेकिन अगर आपको बच्चों से शिकायत है तो आप अपने बहन भाइयों से ज़रूर शेयर करें और ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये आम सी बात है, ये हर रोज़ घरों में देखने में आती है। और जब आप शेम की वजह से अपने बहन भाइयों को नहीं बताते तो इससे अंधेरे में कारपेट के नीचे चीज़ें जो हैं वो परवान चढ़ती हैं। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि महज़ब मुल्कों में ऐसे मौक़ों पे क्या किया जाता है? क्या महज़ब मुल्कों में घर में कोई किसी पे हाथ उठाता है, ये कोई साइकोलॉजिकल अब्यूज़ या फिज़िकल अब्यूज़ या कोई थ्रेट्स देता है तो क्या महज़ब मुल्कों में पुलिस को इतला दी जाती है कि नहीं? अगर एज ए लास्ट रिजॉर्ट में भी, नॉट एज ए लास्ट रिजॉर्ट, मैं समझता हूँ कि काफ़ी रवाज है कि अगर वालदैन बच्चों पे हाथ उठाते हैं या वालदैन एक दूसरे पे हाथ उठाते हैं या बच्चे वालदैन पे हाथ उठाते हैं तो वहाँ ये एज ए लास्ट रिजॉर्ट नहीं किया जाता। महज़ब मुल्कों में इसको फौरी तौर पर पुलिस के नोटिस में लाया जाता है और ये नहीं कि पुलिस आती है और आके बच्चों को या खावंद को या किसी को भी ले जाती है और उसके साथ कोई बहुत मार पिटाई होती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। पुलिस आती है और आके बताती है कि ये मुनासिब नहीं है जो आप कर रहे हैं और बी केयरफुल, हम इस चीज़ को हमने नोट कर लिया है कि आपने अपने वालदैन पे या बीवी पे या किसी पे हाथ उठाया, तो आप क्या वादा करते हैं कि आप आइंदा ऐसा नहीं करेंगे? और अगर आप वादा करते हैं कि आप काफ़ी शर्मिंदा हैं इस चीज़ पे तो हम वापस चले जाते हैं और हमें दोबारा मौका ना दीजिएगा, दोबारा मौका अगर आप देंगे तो फिर हम अगला कदम उठाएंगे। फिर वो दोबारा मौका देते हैं तो वो आते हैं, वो कहते हैं कि देखिए ये हमें दूसरा मौका है कि आपने ऐसा किया है, तो आप कल सुबह फलां डिपार्टमेंट में जाके फलां जगह रिपोर्ट करेंगे कि आपकी काउंसलिंग की जाए या आपकी इसलाह का कोई चारा किया जाए, या आप चाहते हैं कि अभी हम आपको साथ पुलिस स्टेशन ले जाएं और आपके ऊपर मुकदमा कायम करें। अगर वो कहते हैं कि जी मैं कल वो फलां डिपार्टमेंट में जाके रिपोर्ट करूँगा और अपनी इसलाह के लिए मैं तैयार हूँ, तो फिर पुलिस चली जाती है। तो जो चीज़ें देखिए, जो चीज़ें लीगल होती हैं और अखलाकियात के मियार पर पूरा उतरती हैं और शरी रुकावट भी कोई नहीं होती, आप मुझे बताइए वो कर लेनी चाहिए कि नहीं कर लेनी चाहिए? यानी और आपको क्या चाहिए कि कोई चीज़ अखलाकी तौर पर भी ठीक है, कानूनी तौर पर भी ठीक है, शरा में भी कोई रुकावट नहीं है और फिर भी अगर हम वो चीज़ नहीं करते तो फिर हम यही कह रहे हैं ना, आ बैल मुझे मार,
तो हम और कुछ नहीं कह रहे। सर माफ़ कीजिएगा, ये जो आपने कुछ देर पहले जिक्र किया वालदैन की तरफ से बेजा ग्रेस मार्क्स देने का जो सिलसिला है, जिसमें बच्चा बाशगाफ अल्फाज में एक बुरे रवैये से चलता चलता इस बात तक आन पहुँचा है कि वो वालदैन को जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है, तो वालदैन इस मौके पर भी ये सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करेगा, और वो और भी बुरे रवैये जो उसके लिए और उसके घराने सबके लिए नुकसानदेह हैं, नशे का इस्तेमाल, लड़ाई झगड़ा, बुरे अंदाज में गाड़ी चलाना और इसके नतीजे में बड़े एक्सीडेंट्स करना, जिसके बाद वालदैन को थाने या लोगों के सामने आके तो उनकी जान छुड़ाना पड़ती है और काफ़ी इज्जत में कमी के मामलात ये होते हैं। तो ये जो ग्रेस मार्क्स देने का सिलसिला है, इसके बारे में भी कुछ गाइड करें कि कैसे वक्ती तौर पर तो वालदैन को लगता है कि ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा और उस मौके पर बच्चा भी काफ़ी यकीन दहानियां करवाता है, ऐसा बच्चा जब सलाखों के उस पार पुलिस के लॉकअप में होता है तो उसका रवैया कुछ और होता है, लेकिन यही मासूम बच्चा घर में काफ़ी खूंखार होता है, सड़क पर लोगों से काफ़ी उलझ रहा होता है, ऐसे मौके पर वालदैन क्या करे, क्या वो इसी तरह ग्रेस मार्क्स देते रहें या अपनी खुद फरेबी और अपने डिनाइल से बाहर निकल के मसले को कुछ हल करने की तरफ भी कदम बढ़ाएं। देखिए, ग्रेस मार्क्स देना गलत है, ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर आप 30 से 33 करते हैं तो चलो आप कहते हैं कि पता नहीं इससे कुछ भला हो जाएगा किसी का जो मेरी समझ से बालातर है, लेकिन अगर आप 25 से 33 करें या 20 से 33 करें या वालदैन की तरह 0 से 33 कर दें तो फिर बड़े मसाइल होंगे। सो मेरिट एक ऐसी चीज़ है जो हम सब एक दूसरे को कहते रहते हैं कि मेरिट पे चलना चाहिए, और हम अपने कामकाज की जगह पे भी अमूमन मेरिट को बहुत तरजीह देते हैं, और इसी वजह से जो जगह हैं कामकाज की जहां मेरिट को तरजीह दी जाती है वो जगह बहुत तरक्की कर जाती हैं। लेकिन मुझे बताइए कि मेरिट अगर इतनी अच्छी चीज़ है तो हम अपनी प्यारी औलाद को इससे महरूम क्यों रखते हैं? यानी अगर मेरिट बाहर में गैर लोगों के काम आने वाली चीज़ है और उससे उनका कोई भला होता है और ऑर्गेनाइजेशन का भी भला होता है, यानी मेरिट पे चलना विन विन डील है। अगर मेरिट पे चलना इतना ही अच्छा है तो हम अपने घर जैसी खूबसूरत जगह को मेरिट से अलग क्यों रखें? वो फ़ायदे जो हम दूसरे लोगों को पहुँचाते हैं वो अपनी औलाद को क्यों ना पहुँचाएँ? और हम औलाद को एक नाजायज़ तौर पर क्यों तहफ़ देते हैं उन चीज़ों के हवाले से जो उन्हीं के नुकसान दें, उन्हीं के लिए नुकसान दें? मिसाल के तौर पर अगर बच्चा जो है अगर स्कूल में अच्छे नंबर लाता है तो हम सब रिश्तेदारों को बताते हैं, लेकिन अगर वो सिगरेट पीना शुरू कर देता है तो हम इस बात को छुपा लेते हैं, घर में भी सबको पता नहीं चलने देते, और फिर वो चरस पीना शुरू करता है या उसकी सप्लीमेंट्री आ जाती है तो उसमें हम फिर क्या करते हैं? फिर हम उसके कहने पे उसकी फरमाइश पे छुपा के रखते हैं। तो जब अच्छी चीज़ों को बताएंगे और बुरी चीज़ों को छुपाएंगे तो आप यूँ समझ लीजिए कि बुरी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर आप अच्छी चीज़ों को नशर करते हैं, बताते हैं, तो जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं वो भी बतानी चाहिए। अच्छा, बिला वजह मकसद बदनाम करना नहीं है औलाद को, लेकिन ये ज़हन में होना चाहिए कि जहाँ ना बताने से नुकसान होता है तो वहाँ बता दें। जैसे कि एक बच्चे के चचा को पता होना चाहिए, ताया को पता होना चाहिए, अब ये तो बहुत करीब के रिश्ते हैं, अगर आप समझते हैं कि इनको बताने से कोई नुकसान होगा तो ये रिश्ते काहे के रिश्ते हैं? अगर फूफो को नहीं पता या खाला को नहीं पता और मामू को नहीं पता तो याद रखें कि आपकी वाज़ो नसीहत बच्चे के लिए ज़्यादा कारामद नहीं होगी, क्योंकि आपकी वाज़ो नसीहत को वो नुक्ता चीनी पे मबनी समझेगा, और दूसरे लोग जो तारीफ़ करते रहते हैं, जो महीने दो महीने बाद मिलते हैं रिश्तेदार, तो वो तारीफ़ करते हैं तो बच्चा समझता है कि ये मेरे वालदैन बिला वजह मुझ पर नुक्ताचीनी करते हैं और मैं तो बड़ा लाजवाब हस्ती हूँ और मैं तो बड़ा ज़िंदगी में ठीक चल रहा हूँ।
और मुझ पे जो तनकीद है वो बिला जवाज है, क्योंकि इंसान का जहन अपने आप को किसी चीज़ पे भी कायल कर सकता है। मिसाल के तौर पर ऐसे बच्चे से आप बात करेंगे तो वो बोलेगा कि जी सब बच्चे रात को 2 बजे घर आते हैं। भाई नहीं, सब बच्चे रात को 2 बजे घर नहीं आते। 80% से ज़्यादा बच्चे इशा की नमाज से पहले पहले अपने घरों में होते हैं। अजी सब बच्चे सिगरेट पीते हैं, अजी फलां यूनिवर्सिटी में तो सब पीते हैं और सब बच्चे चरस पीते हैं। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, सब बच्चे चरस नहीं पीते, सब बच्चे नशे नहीं करते। और जी सारे ब्यूरोक्रेट नशा करते हैं, भाई सारे नहीं करते, कुछ करते हैं। ये नहीं कि कोई कसम वाली बात है कि नहीं जी सब पायलट शराब पीते हैं, भाई नहीं सब पायलट शराब नहीं पीते। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये बात करना कि सब करते हैं इसलिए हम भी करना चाहते हैं, तो आप ऐसे बच्चों को पूछ सकते हैं कि आप फॉलोअर हैं कि लीडर हैं, तो पूछा भी जा सकता है। तो बच्चों से अगर बात करने का हमारा हौसला ही ना हो तो इस्लाह की गुंजाइश कैसे निकले। अगर हमें बच्चों की खुशनुदी चाहिए, यानी अगर हम उधार खाए बैठे हैं इस चीज़ पे, अगर हम पीपल प्लीजर हैं और हर एक को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो साइंस कहती है कि जो बंदा हर एक को खुश करने की कोशिश करता है वो बिलाखर किसी को भी खुश नहीं कर पाता। आप खुश करने के लिए लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो डिज़र्व करते हैं कि हम उन्हें खुश करें, और उनको चुन लें और अपनी नज़रों का मरकज अगर उनको बनाएं, चंद लोग जो हम समझते हैं कि हमें उनको खुश रखना चाहिए, जैसे बीवी है, खामद है, माँ बाप है, बच्चे हैं, तो हम इसमें कुछ कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जब भी हम फीडबैक दें तो वो कुछ सच्चाई पे मबनी होना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों के बारे में झूठ बोलेंगे तो भी वो झूठ ही होगा। बाकी अगर हम यूँ समझते हैं कि हम जो अपने बच्चों के बारे में झूठ बोलते हैं वो तो झूठ ही नहीं होता, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर एक बात कोई सीखना चाहता है कि उनके घर में नशे की बीमारी जो है वो नशोनुमा ना पाए, तो जूँ ही पता चले आप उसको पर्दापोशी से निकाल के मंजर पे रख दें। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में किसी को टीबी होती है या किसी को मलेरिया होता है या कोई और बीमारी होती है, तो हम ना उसको बहुत ज़्यादा बताते हैं ना बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, लेकिन इलाज की गर्ज से जहाँ जहाँ से मदद मिल सकती है वहाँ वहाँ आसानी से बता देते हैं। सो झूठ बोलते रहने से नशे की बीमारी जो है ये बहुत ज़्यादा पनपती है, और इनेबलिंग और प्रोवोकिंग जो दो चीज़ें हैं इससे, यानी नवाजशें करना कि शायद मरीज़ हमारी नवाजशों से मुतासर हो के नशा छोड़ देगा, या लान तान करना और बेइज्जती करना कि शायद लान तान और बेइज्जती से घबरा के नशा छोड़ देगा। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि नशा एक डोमिनेंट फोर्स की तरह उसकी ज़िंदगी को चला रहा होता है, और हमारी जो छोटी छोटी जो कोशिशें हैं, अधूरी कोशिशें जो हैं जिनमें किसी माहिर की राय भी शामिल नहीं होती, इनसे कोई नतीजा नहीं निकल सकता। जिन लोगों को इस बीमारी के इलाज का तजर्बा होता है, जिनकी एजुकेशन होती है, जिनकी ट्रेनिंग होती है, उनको बड़ी आसानी से पता होता है कि कौन से ऐसे इकदाम हैं जिससे बेहतरी की सूरत निकलेगी। मिसाल के तौर पर अगर आपको मरीज़ की मदद करते हुए तकलीफ़ होती है तो इसका मतलब है कि आप अपनी मदद को थोड़ा कम कर दें। अगर आप अपनी परवाह नहीं कर रहे और इससे आपको तकलीफ़ होती है तो आप अपनी परवाह करनी शुरू कर दें, और मरीज़ की मदद आप सिर्फ नशे से निजात में कर सकते हैं, आप दूसरी चीज़ों में उसकी मदद मत करें। अगर वो नशे से निजात की तरफ आता है तो फिर उसकी मदद करें। लेकिन अक्सर घरों में ये देखने में आया है कि मरीज़ को हर मंडे तक क्लीन स्लेट देना ज़रूरी समझा जाता है। अगर वो गाड़ी का एक्सीडेंट करता है तो नहायत तेज़ी से एफिशिएंटली उसकी गाड़ी की रिपेयर करवाई जाती है, डेंटिंग पेंटिंग करवाई जाती है। अगर वो घर में शीशे तोड़ देता है तो शाम होने से पहले पहले नए शीशे जो है इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, ताकि हमें कुछ एहसास हो कि हम एफिशिएंट लोग हैं। मुझे बताइए कि अगर कोई घर में तोड़ फोड़ करता है मरीज़,
तो क्या करना चाहिए? सर डेफिनेटली उनकी जो जो भी नीड्स को तो खैर हम नहीं करें, वांट्स को कंडीशन ज़रूर करना चाहिए, उनको उनके कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर अटैच करने चाहिए उस हवाले से। जो भी शीशे अगर तोड़ रहे हैं तो कोई कॉन्सिक्वेंसेस नेचुरल ज़रूर होने चाहिए, जो कि रूल सेटिंग पहले आई गेस होनी चाहिए। ये बताइए कि वो शीशे जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं सारे शीशे, उनका क्या करना चाहिए? उनको ठीक नहीं करवाना चाहिए, उनको ठीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस ही उनको बताएंगे कि दे हैव अ प्रॉब्लम। क्योंकि अगर वो फिक्स कर देंगे तो उनको ये लगेगा कि मेरे साथ कोई मसला है ही नहीं। नदीम नूर, अगर आप मिसाल के तौर पर गुस्से में आके किसी दिन अपने घर के शीशे तोड़ दें सारे, और आपके अहले खाना उन शीशों का कुछ भी ना करें, वो शीशे वहीं पड़े हुए हैं, और अगले दिन और उससे अगले दिन और उससे अगले दिन, तो कैसा महसूस करेंगे? वैसे तो मेरा शीशों को तोड़ना काफ़ी डिस्टेंट रियलिटी लगता है, लेकिन अगर मसला सामने है तो उस मसले का इदराक कोई करेगा। अगर वो शीशा टूटा हुआ या जो तोड़ फोड़ मैंने की है मेरे सामने है तो मुझे दिखाई देगी कि मैंने गड़बड़ कर दी है, और अगर मैं सोया हूँ और जब उठा हूँ तो सारी चीज़ें सिमटी हुई हैं, तो मेरा दिमाग ये समझेगा कि मसला तो कोई है ही नहीं, सब ठीक ही है। लेकिन अगर आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो शीशे और टूटी हुई सब चीज़ें और मेज़ें उल्टी पुल्टी, वो जो क्राइम सीन है वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही देखें, तो आखिरकार आप क्या करेंगे? आप कोई घर वाला भी नहीं उसको कुछ कर रहा, और हर रोज़ जब आप सुबह उठ के अपने बेडरूम से बाहर आते हैं और ड्राइंग रूम में और लिविंग रूम में आपकी इस सारी डिस्ट्रक्शन के निशानात नज़र आते हैं। सर अगर मेरे घर वाले मेरी मुआवनत करना छोड़ दें कि मसला ठीक होना चाहिए, और इसमें मेरी मदद करें कि जो सूरत हाल है वो मुझे नज़र आए, तो मेरा ख्याल है कि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा कि मैं अपनी इसलाह करूँ और इस बात को दिल से पहले मान लूँ कि ये सब कुछ मैं करता हूँ ऐसे मौके पर। लेकिन वो जो तोड़ फोड़ का जो सारा मंजर है आपके सामने आता है, अब उस घर में आप भी रह रहे हैं और आपके अहले खाना भी रह रहे हैं, और दिन गुजरते जा रहे हैं, और आप रोज़ सुबह उठ के बाहर आते हैं और वो मंजर आपको नज़र आता है, तो एक दिन आप क्या करेंगे? सर मुझे रोज़ाना इतनी तकलीफ़ से गुजरना पड़ेगा उसको देख देख के बार बार, क्योंकि वो मैंने कर रखा है कि मैं सूरत हाल को बेहतर करने के लिए और अपने जो तर्ज़ ज़िंदगी है, दूसरों के साथ ताल्लुक़ है, रवैया है घर में, उसको जो है वो सेकंड थॉट उसको दूंगा और उसको ठीक करूंगा। लेकिन अगर इससे पहले कोई समेट लेता है, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जब मैं ये सारी तोड़फोड़ कर रहा हूँ तो कोई वीडियो भी बना ले ताकि किसी मुनासिब मौके पर मुझे दिखाया जाए, क्योंकि इंसान गलती करके बहुत जल्द अपनी ज़िम्मेदारी से बरी ज़िम्मा होने की कोशिश करता है, और दूसरे लोग इसमें जो फिर बेजा मदद करते हैं उसी का नाम हम मुआवनत कहते हैं उसे। तो ऐसे मौके पर तो मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मेरे अंदर इतनी तकलीफ़ जमा हो जाएगी कि मैं उस चीज़ को ठीक करना चाहूँ। और वो ख़ुद मेरे ख्याल में फ़िक्स करेंगे उस सारी प्रॉब्लम को, जो शीशे बिखरे हैं तो वो ख़ुद उठाने एट दी एंड पड़ेंगे। अच्छा, जिस बंदे ने वो सारी तोड़ फोड़ की है, आखिरकार एक दिन ऐसा आएगा पाँचवें दिन या सातवें दिन कि वो उसको खुद ही समेट रहे होंगे, और जब वो उसे खुद ही समेट रहे होंगे तो दोबारा तो फिर वो ऐसी हरकत करने का इम्कान बहुत कम हो जाएगा। अगर शीशे मैंने तोड़े हैं और समेटे भी मैंने हैं तो फिर तो आइंदा इसका इम्कान कमतर होता चला जाएगा। लेकिन अगर खराबी मैंने की है, शीशे मैंने तोड़े हैं, समेटे किसी और ने हैं, तो मेरे दिमाग को तो ये मैसेज मिलेगा कि कोई ऐसा मसला नहीं है, बल्कि अच्छा है, इनको ज़रा रोब दाब में ही रखा। और लोग जब समेटेंगे तो उनके जहन में ये डर होगा कि हम जल्दी जल्दी समेट लें कि कोई मेहमान ना आ जाए। बिल्कुल ठीक है, और भी बहुत सारी। अच्छा ये डर उस बंदे को भी तो दूसरे तीसरे दिन हो जाएगा कि ये सारा सामान इसी तरह पड़ा है, और अगर कोई घर में आएगा और पूछेगा कि ये क्या है और बताया जाएगा कि ये किबला नदीम नूर साहब ने किया हुआ है, तो फिर ये खुद ही समेटेंगे, और मेरा ख्याल है कि यहाँ से एक टर्न अराउंड शुरू हो जाएगा। सर जब आपने दूसरे लोगों के आने का जिक्र किया तो मेरे दिमाग में कुछ देर पहले से इसी हवाले से मिसप्लेस्ड लॉयल्टी के हवाले से भी एक सवाल है कि जब कोई नौजवान या बच्चा, या जैसे ख़त का जिक्र डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब ने भी किया कि होते होते अब वो नौजवान जिसकी गाड़ी का
कोई इस्तेमाल नहीं, ना वो पढ़ता है, ना वो कोई काम काज करता है, सर शाम वो शहर की सड़कों को नापने निकल जाता है, नशा बुरे रवैये उसके अलावा हैं, ऐसे मौके पर वो अपनी तो बड़ा अच्छा ताल्लुक बना के रखता है रिश्तेदारों के साथ, मामू चाचा फूफी और खाला के साथ, और जब भी उस हवाले से कोई शिकायत या अपने दिल की हालत उसके माँ बाप अपने बहन भाइयों को बताते हैं, तो वो बच्चा भी कोई ऐसी लॉबिंग करता है कि बजाय मामू चाचा और खाला और फूफी उस बच्चे को समझाने के कि आपके रवैये तो मुनासिब नहीं हैं, ये पढ़े लिखे लोगों के रवैये नहीं हैं, आप ऐसा ना कीजिए, उल्टा बातचीत के दौरान ही कोई ऐसा रुख आ जाता है कि वो वालदैन को समझाने लगते हैं। और ऐसा सिर्फ रिश्तेदारों के साथ नहीं, मैंने सुन रखा है कि ऐसा ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स और डॉक्टर्स भी करते हैं कि उल्टा वालदैन को नसीहतें करते हैं कि आप भी तो इतनी सख्ती ना किया कीजिए, आप भी इसकी बात को मान लीजिए, कह ही रहा है ना वर्ल्ड टूर का, अगर कर लेगा तो क्या हो। उन माहिरीन का भी जो मसला है वो ये है कि वो उसकी खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो उसके साथ स्ट्रेट बात करेंगे तो वो दोबारा आएगा नहीं। सो शुरू में जो कुछ काम करना पड़ता है वो माहिरीन वालदैन के ज़रिए करते हैं, कि चूँकि वालदैन का एक इस्टेब्लिश रिश्ता होता है और उन्होंने रोज़ाना एक दूसरे को मिलना भी ज़रूर होता है, और डॉक्टर की मजबूरी यह है कि अगर वो पहले दिन स्ट्रेट बात करेगा तो अगले दिन मरीज़ उसको मिलने ही नहीं आएगा, लिहाजा ये बीड़ा उस दिन डॉक्टर को नहीं उठाना चाहिए, और जो भी बेहतरी का काम है वो वालदैन के ज़रिए करना चाहिए या बहन भाइयों के ज़रिए करना चाहिए, अहले खाना के ज़रिए करना चाहिए, क्योंकि अहले खाना का रिश्ता बड़ा मजबूत है, इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। जबकि डॉक्टर का मामला ये है या साइकोलॉजिस्ट का मामला ये है कि उसके पास एक्सपर्टीज़ है पर उसके पास मरीज़ के साथ रिश्ता नहीं है। सो अहले खाना जब डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से मिलना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अहले खाना जो है उनके अंदर महारत पैदा होनी शुरू होती है ऐसे मसाइल से निपटने के हवाले से, और जब एक डॉक्टर ऐसी फैमिली के साथ मुसलसल कोचिंग या काउंसलिंग में होता है तो वो उस घर में एक नॉन एंटिटी बनता चला जाता है, और जब वालदैन घर में अपने कोच का या काउंसलर का अच्छी तरह जिक्र करते हैं तो मरीज़ जिसने कभी डॉक्टर या काउंसलर को अभी तक देखा नहीं होता वो भी अनकॉन्शियसली उसकी इज्जत करना सीख लेता है। ऐसा हमने बकायदा अपने तजर्बे में देखा है कि वालदैन पहले काउंसलिंग में आते हैं और हम उनके ज़रिए घर में बेहतरी पैदा करने के कुछ इकदाम करते हैं, बेहतरी पैदा होती भी है, और हम बताते हैं अहले खाना को कि जो हमारी बातचीत हो ये आप घर जा के बता सकते हैं, क्योंकि उस बातचीत में कोई मेलाफाइडी नहीं होती, आपने जो बातचीत करनी होती है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के तहत करनी होती है, उसमें आपने कोई दुश्मनाना रवैया अख्तियार नहीं करना होता, या आपने मरीज़ को बुरा भला नहीं कहना होता, या उसकी इज़्ज़त को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता, आप उसे एक बीमारी के पस मंज़र में देख रहे होते हैं, तो जो बातें आप करते हैं तो ये जो इनडायरेक्ट काउंसलिंग है जिसको हम इनडायरेक्ट काउंसलिंग कहते हैं, जो कि फिर घर जाके अहले खाना अपने बदले हुए रवैयों के साथ मरीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और चूँकि अहले खाना एक दूसरे कहते हैं कि आप विलिंग वे इसकी ज़ुबान बोल रहे हैं, बच्चे ये कहने लग जाते हैं। हाँ, शुरू शुरू में तो वह ऐसा तंजन कहते हैं लेकिन बाद में वो फिर इसको कबूल करने आप पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, लेकिन अहले खाना एक दूसरे के रवैयों से ज़रूर मुतासर होते हैं, अच्छे या बुरे दोनों किस्म के रवैये से, जैसे माँ बाप औलाद के रवैयों से मुतासर होते हैं, रोगी हो जाते हैं, लेकिन जब माँ बाप काउंसलिंग में आने के बाद थेरापेटिक रवैये सीखते हैं तो बच्चों पे इसका भी बहुत बुरा असर नहीं पड़ता, अच्छा असर पड़ता है बच्चों पे, और शुरू शुरू में वो वालदैन के साथ थोड़ा सा रिएक्शन भी शो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब घर में कुछ अमन रहने लगता है तो वो भी महसूस करने लगते हैं कि वालदैन जिस जगह जा रहे हैं तो अब ये काम की बात करते हैं, भड़ास नहीं निकालते, हमारे बारे में बदशगुनी वाली बातें नहीं करते, हमारे मुस्तकबिल के बारे में ऐसी पेशगोइयाँ नहीं करते कि हमने बर्बाद हो जाना है, तो
वालदेन को हम काउंसलिंग में बताते हैं कि आपने ज़रूरी बात करनी है और अच्छी बात करनी है, और जब मरीज़ बोल रहा हो तो आपने उसको इंटरप्ट नहीं करना, उसकी बात को गौर से सुनो, क्योंकि जो भी वो गुफ्तगू कर रहा है ये आपको गुफ्तगू मौका देती है कि आप उसके दिमाग में झांक सकते हैं। और अगर मरीज़ बोल रहा है और आप उसकी बात को काट के कोई बात करना चाहते हैं तो इससे फसाद पैदा होता है। सो बोलने की निस्बत सुनना जो है वो थोड़ा सा आसान लगता है, इसमें आपने कोई एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करनी होती, तवज्जो से सुनना होता है कि वो क्या कह रहे हैं, और जो बात भी वो कर रहा होता है उसमें वो क्ल्यू दे रहा होता है कि उसको कौन सी चीज़ बॉदर कर रही है। और जब वो अपनी बात मुकम्मल कर ले तो आप उससे मज़ीद कुछ सवाल कर सकते हैं, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब। और जब उसके पास कहने के लिए कुछ ना रहे तो फिर वालदैन अपना जो माकूल पैगाम है वो उस तक पहुँचा सकते हैं कि वालदैन क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। और वालदैन को अपने बच्चों से बात करते हुए ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि वो भी लूज टॉक ना करें। बाज़ुकात वालदैन भी टॉक्सिक हो जाते हैं, बाज़ुकात वालदैन भी अगरचे दुखी होकर लेकिन तकलीफ़ दे बातें करते हैं। सो वालदैन के पास भी ऐसा कोई लाइसेंस नहीं होता कि वो औलाद की दिल आज़ारी करें। बाज़ुकात वालदैन इस बात को गलत तौर पर लेते हैं कि चूँकि वालदैन की बड़ी हैसियत मानी जाती है मुआशरों में और मज़हब में, तो उसका नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपने बच्चों की ज़िंदगी में नामुनासब रवैये अख्तियार करते हैं और उन्हें तकलीफ़ पहुँचाते हैं। तो जो टॉक्सिसिटी है वो बच्चों की तरफ से हो या वालदैन की तरफ से या खामद या बीवी की तरफ से, वो इंसानों के लिए बहुत अजियत पैदा करने वाली चीज़ है। सो इनडायरेक्ट काउंसलिंग एक चीज़ है जो कि जब वालदैन या फैमिली मेम्बर्स काउंसलिंग के लिए आते हैं और उस काउंसलिंग की रोशनी में अपने रवैयों को वो मॉडिफाई करते हैं तो उसके नतीजे में उन्हें मुस्बत नताइज मिलना शुरू होते हैं। और जब मुस्बत नताइज मिलते हैं तो वो और ज़्यादा ज़ौक व शौक से काउंसलिंग में आते हैं। और ये जो मुस्बत नताइज होते हैं जो कि अल्टीमेटली बच्चे को भी इससे फ़ायदा ही होता है, और अनकॉन्शियसली सही वो ये गैस कर लेता है कि वालदैन जिस जगह जाते हैं वहाँ से कुछ बेहतर वाज़ो नसीहत मिलता है या बेहतर सलाह मिलती है, और वो इनक्विजिटिव हो जाता है कि वो भी जाए। और फिर जब वो बराहे रास्त आता है तो उसके लिए जो काउंसलर होता है वो फेमिलियर होता है क्योंकि घर में उसका तذکرہ रहता है। एक बुनियादी प्रिंसिपल जो हम विलिंग वेज में समझते हैं कि हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं वो ये है कि हम किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करते। यानी जब हम पेशेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम उसका एहतराम उस वक्त भी मलूज़ ख़ातर रखते हैं। और ज़्यादातर तो हमारी ख्वाहिश होती है कि जो मरीज़ है वो भी मौजूद हो, फैमिली भी मौजूद हो, लेकिन अगर मरीज़ बाई चॉइस आने से इनकारी होता है तो फिर अहले खाना से बात की जाती है। लेकिन जब अहले खाना मरीज़ के साथ जाके बात करते हैं और वो आने के लिए रजामंद होता है तो जहाँ तक हो सके अहले खाना और मरीज़ और काउंसलर्स इकट्ठे बैठ के बात करें। इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, दुनिया में बहुत कम जगहों पर अगरचे ये ट्रायंगुलर काउंसलिंग प्रैक्टिस की जाती है क्योंकि ये ज़्यादा महारत मांगती है। और जैसा कि विलिंग वेज एक अरसा दराज से इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें बहुत आसानी सी महसूस होती है कि मरीज़ भी मौजूद है, अहले खाना भी मौजूद है और काउंसलर बात कर रहा है और उसे पता है कि मुझे संभाल के बात करनी है, किसी को प्रोवोक नहीं करना, किसी को इश्ताल नहीं दिलाना, और जहाँ मौका लगे तो अच्छे सवालों से रोशन ख्याली पैदा करनी है। तो इन चीज़ों से अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। और ये जो कि महज़ब मुल्कों के तरीके हैं इनको अपनाते हुए हमें कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरकार आप देखिए जो भी महज़ब मुल्कों के तरीके हैं वो हम 20-30 साल की देरी से तो अपना ही लेते हैं, तो क्यों ना हम जल्द अपनाएं और जल्द फ़ायदा उठाएं। और उससे बहुत सारा वक्त बचेगा, बहुत सारी तकलीफ़ पैदा होने से हम बच जाएंगे। तो ये तरीके जो महज़ब मुल्कों के तरीके हैं कि पुलिस को इन्वॉल्व करना, जिसका मतलब ये नहीं कि हम अपने
बच्चे का कोई पुलिस में रिकॉर्ड पैदा कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों का वहाँ भी कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं होता जो कि उसके मुस्तकबिल पे असरअंदाज हो। लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें शेम से निकलना होगा। अगर हमारा ख्याल है कि हमारे बच्चे में नशे का मसला है तो लोगों को पता चल जाएगा और हम इसे छुपा के रखें तो अच्छा है, तो मैं आपको बड़े वसूख से ये कहता हूँ कि ये नशे का मसला कोई ऐसा रेयर मसला नहीं है, ये आम मसला है। ये हर दूसरे तीसरे घर में है, ये किसी घर में भी हो सकता है, ये पढ़े लिखे गरीब अमीर हर किस्म के घरों में ये मसला पाया जाता है और ये एक बीमारी है। और ये ऐसी ही बीमारी है जैसी कि डायबिटीज़ है या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, ये मेटाबॉलिक बीमारी है, यानी हमारे जिस्म के अंदर कोई ऐसी ख़राबी पैदा हो जाती है जो नशे के साथ मिल के इतनी बर्बादी लाती है। सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि अगर जैसे डॉक्टर साहब ने दिलसोज वाक़ा सुनाया है इस बच्चे का, इसमें सबसे पहले पुलिस को इंटरवीन करना चाहिए घर वालों को या साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर को सबसे पहले, मतलब क्योंकि हमारे कानून जो हमारे मुल्क में चल रहे हैं वो तो यूके के हैं अभी तक जो चल रहे हैं, तो यूके में बाहर मुल्क में वहाँ पे सबसे पहले मतलब साइकेट्रिस्ट जो टीम है उसको इन्वॉल्व करते हैं, तो यहाँ पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए सबसे पहले इस तरह क्राइसिस में या साइकेट्रिस्ट टीम को? देखिए सादा सी बात है, अगर कोई मामला काबिले दस्तंदाजी पुलिस है तो पहले पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है कि कई मौक़ों पे जब अस्पतालों में भी लोग जाते हैं ज़ख्मी होकर और ये ज़ख्म उन्हें किसी दूसरे इंसान ने लगाए होते हैं तो अस्पताल का अमला भी कहता है कि पहले पुलिस को रिपोर्ट करें, और बाज़ औक़ात इसमें देर हो जाती है और पुलिस को रिपोर्ट करते करते उसकी जान चली जाती है बंदे की। तो हमें एक जजमेंट करना ज़रूरी है कि आया मामला अर्जेंट नौयत का है या थोड़ा इंतज़ार किया जा सकता है, क्या पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या पहले डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन ये नौबत आने से बहुत पहले ही आपको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास होना चाहिए जो आपको इवेल्यूएट करके बता सकता है कि जो बात आपको कही गई है उसमें कितना वजन है और आपको उस मामले में किस किस्म का रद्देमल देने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा कहता है कि मैं आपको मार दूंगा और दो घंटे बाद जाके आप उससे पूछते हैं कि आपने ये बात कही थी तो क्या इस पे आपको कोई रिग्रेट है, क्या इस पे आपको कोई अफसोस है या आपको कोई शर्मिंदगी है, और वो कहता है हाँ मैं शर्मिंदा हूँ मैंने ऐसा गुस्से में कहा था, तो आप बात कर सकते हैं कि हमें इसकी बड़ी तकलीफ़ पहुँची है और अगर तुम वादा करते हो कि आइंदा तुम इस किस्म का रवैया अख्तियार नहीं करोगे तो हम इस चीज़ को दरगुजर करके आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने का मतलब यह है कि हमारे ख्याल में आपको मदद की ज़रूरत है। आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं गुस्से में बेकाबू हो गया था, या आप खुद ही अपने तबीयत की ख़राबी की बात कर रहे हैं और ये तकलीफ दे सूरत हाल जो आपके और हमारे दरमियान पैदा हुई है, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाके बात करें जो कि तकलीफ़ों को दूर करने में महारत रखते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं तो कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब की हुई है, तो मैं तो इस बारे में बिल्कुल सीरियस हूँ, जब मुझे मौका लगा मैं ऐसा करूँगा, तो फिर आप ये समझ लेते हैं कि कानून की मदद लेना भी ज़रूरी है और मेडिकल प्रोफेशन से रابطہ भी ज़रूरी है ताकि एवेल्यूएशन हो कि ये कोई साइकेट्रिक सिचुएशन है या एडिक्शन का मामला है या दोनों का मामला है या बिगाड़ है। यानी ये सारी सूरत हाल जो मैं बता रहा हूँ, जो बिगाड़ से ले के असाबी या नफसियाती बीमारी तक हो सकती है या नशे के इस्तेमाल का शाखसाना हो सकता है, तो ऐसे में फिर जो ज़रूरी इकदाम हैं वो करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि अहले खाना अपने आप को एजुकेट करें उस साइकेट्रिक मसले पर या एडिक्शन पर। दूसरी बात यह है कि अपने कंसर्न को कम्युनिकेट करें दूसरे वेल मीनिंग लोगों के साथ। हमारी ज़िंदगी में बहुत वेल मीनिंग लोग होते हैं,
जिनके साथ हमें बात करने से शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे दोस्त हैं वो अगर हमारे दुख दर्द में काम नहीं आएंगे तो फिर हमें क्या फ़ायदा ऐसे दोस्तों के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर मेल मिलाप या ताल्लुकात रखने में। चुन के हम फैसला कर सकते हैं कि किन लोगों के साथ ज़िंदगी में हमने मदद का लेन देन करना है, और वो अपने रिश्तेदार भी हो सकते हैं और दूसरे लोग भी हो सकते हैं जो हम दर्दाना रवैये रखते हों और दोस्ताना रवैये रखते हों। और अगर हम शेम से निकलना शुरू होंगे, हम शेयरिंग थोड़ी करनी शुरू करेंगे, उसके हौसला अफजा नताए जाएंगे, तो हम शेयरिंग ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। दर हकीकत हम छोटे छोटे गुमशुदा जज़ीरों में जब रहते हैं तो उससे हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। लेकिन मेरा ज़ाती तजर्बा है कि मुझे ज़िंदगी में जब भी मुश्किल पेश आई तो मैंने ज़रूर अपने दोस्तों से मदद का तकाजा किया, और ज़्यादातर मौक़ों पे मुझे बहुत अच्छी और मुनासब मदद मिली। और मैंने देखा कि मेरी इज़्ज़त ऐसे मौक़ों पर मेरे दोस्तों की नज़र में कम नहीं हुई और मेरी दोस्ती उनसे ज़्यादा हो गई। और मैंने देखा है जो लोग मेरे साथ काम करते हैं मैंने उनको बहुत हमदर्द पाया, जो वैसे मेरे दोस्त हैं ज़िंदगी में तो जब उनसे बात की तो उन्होंने भी मदद की। मुझे आज तक कभी ऐसा तजर्बा नहीं हुआ कि जब मैं किसी मुश्किल में था और मैंने किसी से मदद मांगी तो उल्टा मुझे लेने के देने पड़ गए, तो मुझे ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो मैं सबको इनक्रेज करने के लिए ये बात कहूँगा कि अपने खौल से निकलने की ज़रूरत है, और हर वक्त ये सोचते रहना कि लोग क्या कहेंगे, ये एक रोग है बजाते खुद। और बेहतर होगा कि मुनासब लोगों से, वेल मीनिंग लोगों से, जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकें, और ऐसे लोग यकीनन हमारे चारों तरफ बहुत मौजूद होते हैं। लोग हमारी बात को तवज्जो से सुन के बाज़ुकात हमारे जहन में क्लैरिटी पैदा करते हैं। और अगर ऐसी बदकिस्मती वाली सूरत हाल हो कि हमें अपनी औलाद से या अपने खामद से या बीवी से या किसी से मुश्किल का सामना हो तो उसको हश अपना करें और चलें। अगर अभी आप दूसरे लोगों से बात करने का हौसला नहीं रखते तो आप उसके बारे में मालूमात तो खामोशी से हासिल कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके कोई मुनासिब सा सवाल लिख के अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, आप वहीं जाके पूछ सकते हैं कि बेस्ट क्या होगा कि मैं लोगों को बताऊं कि ना बताऊं। अच्छा चलें आप बताएं कि मैं किसको बताऊं, तो आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी। और जब हम किसी से ज़िक्र करते हैं तो कहते हैं ना, एक एक और दो ग्यारह होते हैं, तो आप दोनों मिलकर बात करने लगते हैं। और कुछ नहीं तो दूसरा दुआ तो दे ही सकता है। तो क्या कोई ऐसी स्किल्स भी हैं जो कि ऐसे क्राइसिस को ही प्रिवेंट कर दें? क्या पेरेंट्स को कोई ऐसी ट्रेनिंग लेनी चाहिए बिफोर टाइम कि ऐसी नौबत ही ना आए कि बच्चा उनको थ्रेट करें या बिगाड़ पैदा क्यों करें? नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। पहली बात तो ये है कि अपने बच्चों को इज्जत की नज़र से देखें। हम उन्हें प्यार की नज़र से ज़रूर देखते हैं पर हम बच्चों को इज्जत की नज़र से नहीं देखते। दूसरी बात यह है कि हम अपने बच्चों को कैपेबल समझें, यानी हम समझें कि हमारे बच्चे जो इस दुनिया में आए हैं अल्लाह के फजल से, तो ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की सलाहियतें भी रखते हैं। लिहाजा जो काम बच्चे कर सकते हैं वो उन्हें करने दें बचपन से ही। एक 5 साल का बच्चा भी छोटे छोटे कुछ काम कर सकता है जो वालदैन उनके लिए करने बैठ जाते हैं। वो अपनी किताबों को समेट के रख सकता है, वो अपना होमवर्क खुद कर सकता है जो खुद ही करना चाहिए, लेकिन माएँ उनका होमवर्क करती हैं। माएँ सुबह 6 बजे से उनको जगाना शुरू होती हैं, वो बार बार सो जाता है, माएँ बार बार जगाती हैं, इससे सुबह ही सुबह रंजिश पैदा होती है। तो माएँ बच्चों को शुरू से ग्रूम कर सकती हैं कि वो अलार्म लगा के या सेल फोन पर अलार्म लगा के वो अपने जागने का खुद ज़िम्मेदार बन जाए। माएँ उन्हें टाइम ड्रिवन बना सकती हैं, माएँ उनकी रूटीन्स को करने में उनको सिखला सकती हैं कि कैसे उन्होंने अपने कपड़ों को समेट के रखना है, सुबह उठें तो कैसे उन्होंने अपने बिस्तर को समेटना है, कैसे अपने कपड़ों को सही जगह रखना है, कैसे अपनी किताबों को बस्ते में रख के स्कूल की तरफ जाना है। तो जिन्हें हम एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं, ये जैसे आप माशाल्लाह माहिर हैं इस पर टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स, तो मैं कहता हूँ कि
वो बच्चों की भी कोई एग्जेक्टिव स्किल्स होती हैं। एग्जेक्टिव स्किल्स का मतलब है कि वो स्किल्स जो आपको काम काज करने में मदद देती हैं, जिसका मतलब ये है कि अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना बचपन में बच्चे सीख सकते हैं, बच्चे अपनी इम्पल्सिविटी पे काबू पाना सीख सकते हैं, जो अचानक बैठे बैठे ख्याल आता है कि बर्गर क्यों ना ऑर्डर करें, देयर इज़ नथिंग एल्स टू डू, और बच्चे जो हैं कोई काम शुरू करते हैं तो अधूरा छोड़ देते हैं, उसे मुकम्मल करना सीख सकते हैं, बच्चे अपने रवैयों पर नज़र रखना सीख सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अहम और काबिल कदर स्किल होगी कि अगर हम लम्हा बलम्हा अपने रवैयों पर नज़र रखें कि हमने जो किसी से बात की थी ये किसी को अच्छी लगी है या बुरी लगी है, या हम जो बिहेवियर डिस्प्ले कर रहे हैं लोग इससे क्या तासर ले रहे हैं, यानी ये अंदाज़ा लगाना कि हमारे इस रवैये का दूसरों पर क्या असर होगा या इस बात का असर दूसरे कैसे लेंगे, तो ये सारी बातें 11 साल की उम्र से पहले बच्चों को सिखाने के पेरेंटिंग के जरिए, और जब हम बच्चों के कंधों पे जिम्मेदारियां डालते हैं तो वो जिम्मेदार हो जाते हैं। जैसे एक माँ बर्तन धो रही है और बच्चे को कह रही है कि तुम ये बर्तन खुश कर करके यहाँ रखते जाओ, या किचन में काम कर रही है तो अपनी बेटी या बेटे को कहती है अच्छा ये पकड़ाना ज़रा, वो चीज़ पकड़ाना, ये मैं करने लगी हूँ, अच्छा इससे यूँ होता है, ये गोश्त को भूनते इसलिए हैं, फ्राई इसलिए करते हैं, फलां चीज़ इसलिए करते हैं, या ये इसमें इतनी कैलोरीज होती हैं, अंडे में इतनी होती हैं, दूध में इतनी होती हैं, तो आप एजुकेट भी कर सकते हैं और साथ साथ बच्चे को जिम्मेदारियाँ भी आप दे सकते हैं। लेकिन माँ बाप को अपने फिर इस जज्बे पे भी काबू पाना होगा कि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे एक तख्त पे बैठ के इंजॉय करें, मतलब बच्चों को कुछ करना ना पड़े। ये मोहब्बत अपनी जगह लाजवाल है जो माँ बाप के दिल में अपनी औलाद के लिए होती है, लेकिन अगर हमारी मोहब्बत हमारे बच्चों को नुकसान दे तो फिर हमें अपनी मोहब्बत को भी लगामे डालने की ज़रूरत होगी। वो कहते हैं ना बाटे च पे सोना जड़ा कन्ना नु खाए, तो फिर हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए बेहतर हो, और उसमें वक्ती तौर पर जो अगर आपको थोड़ी पॉपुलैरिटी कुर्बान करनी पड़े तो खामोशी से कुर्बान कर दें, और आप देखेंगे कि अगर काम आपने अच्छा किया है तो इंशाल्लाह आपको बच्चों से अप्रिसिएशन भी मिलेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की कि जब बच्चे माँ बाप को ये कहने लगें कि हम आपको मार देंगे, जान से मार देंगे, या धमकियाँ देने लगें, तो उससे बहुत पहले हमें ये ख्याल कर लेना चाहिए कि कहाँ पर हमें साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से, मेंटल वेलबींग काउंसलर से रابطہ करना है, कहाँ पे पुलिस को बताना है कि चीज़ें छुपाने से बात नहीं बनती, और वेल मीनिंग लोग जैसे डॉक्टर साहब ने कहा उनसे मिलके बातचीत करके गूगल पे जाके, देर आर सो मैनी वेज वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये जब हम छुपाने की कोशिश करते हैं, राइट पीपल फॉर द राइट आंसर्स, राइट फोरम्स वी मस्ट चूज़ so that we can get the right answers. और जब हम शेमिंग करते हैं, पेरेंट्स बच्चों की शेमिंग करते हैं, वो गलत है। बच्चे जो हैं वो काउंटर नरेटिव देते हैं माँ बाप को कि आपने भी तो अपने ज़माने में ये गलत किया था, ये गलत किया था, तो ये उनका जो है हक नहीं है, प्रेरोगेटिव नहीं है, और उनके साथ जो है एक मेरिट का रिश्ता रखना, मेरिट को अपहोल्ड करना, टू ड्रॉ द लाइन्स, मोहब्बत से, इज़्ज़त से, बच्चों की भी इज़्ज़त होती है डॉक्टर सदाकत अली ने जैसे बताया, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ का भी ख्याल रखना कि बच्चा जो है किसी नफ्सियाती, किसी मेंटल एलिमेंट से, साइकोटिक डिज़ीज़ से तो नहीं गुज़र रहा, उसके बिहेवियर्स में कोई ऐसा तो नहीं, ऐसी तब्दीली तो नहीं आ रही जिसके पीछे छुपी हुई एडिक्शन हो, सब्सटेंस अब्यूज़ हो, और ये छोटी छोटी मियाँ बीवी के दरमियान, बच्चों के दरमियान इस चीज़ का भी ख्याल रखना कि सोचें नेगेटिव तो नहीं हो रही, उसके पस मंज़र में कहीं बहाव आहिस्ता आहिस्ता गलत तरफ, गलत जानिब तो नहीं जा रहा जिसमें सब कुछ बाढ़ में, सैलाब में बह सकता है। सो इसके लिए भी मेंटल हेल्थ वेलबींग के लिए आप ख्याल रख सकते हैं। इंशाल्लाह विलिंग वेज के फोरम से हम आपके लिए और भी प्रोग्राम्स लाते रहेंगे, और ये जो आज हमें मुरासला मौसूल हुआ था, मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में डॉक्टर सदाकत अली की बातों से आप जान गई होंगी
कि अगर हम राइट टाइम पे राइट फोरम पे हासिल नहीं करेंगे मदद तो दैट कैन बी क्रिमिनल नेगलिजेंस विच कैन हैव मैनिफेस्टेशंस दैट कैन रिजल्ट एडवर्सली फॉर द पेरेंट्स फॉर द फैमिली फॉर योर लव्ड वंस. हमारे साथ जो है रहिए इन टच और अपना भी ख्याल रखिएगा. अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़.